हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू बैक इन माय यूट्यूब चैनल। क्लास टेंथ के बच्चों के लिए आज हमें तीसरा लेक्चर लेकर आ रहे हैं और चैप्टर चल रहा था ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड। उसके बारे में हमने पहले सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि ये ह्यूमन आई क्या होता है, उसके मैंने पार्ट के बारे में बताया, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा सेकंड लेक्चर था, हमने उसमें बताया था कि नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है, विजन का रेंज क्या होता है, जैसे जीरो इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर हुआ था ना, या फिर 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट तक हुआ था। और उससे फिर मैंने बात किया कि ह्यूमन आई हमारा कैसे काम करता है, इमेज को कैसे परफॉर्म करता है। हमने आपको बताया था कि इमेज सबसे पहले लाइट आती है, कर्निया पे फाल होती है, कर्निया पे फाल होने के बाद आरिश में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल, प्यूपिल से पास करता है। अगर ज्यादा लाइट होता है तो प्यूपिल साइज की और जल्दी कम हो जाती है, और अगर लाइट कम होता है, नॉर्मल होता है, तो प्यूपिल साइज क्या होती है, नॉर्मल बनी रहती है। वहां से लाइट पास करने के बाद फिर आपका गिरती है किस पे भैया, लेंस पे गिरता है। लेंस पे गिरने जो लेंस जो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, याद रखिएगा। ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कैसा लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। वहां से रिजर्व लाइट जाती फिर किस पे इमेज बनाती है, रेटना पे बनाती है। रेटना पे जो इमेज बनता है वो कैसे बनता है, इन्वर्टेड बनता है। बट जब ये इन्फॉर्मेशन ऑप्टिकल नर्व के हेल्प से किसको पहुंचता है, ब्रेन को पहुंचता है, तो ब्रेन उसको कैसे ऑब्जर्व करता है, इरेक्ट ऑब्जर्व कर लेता है। तो ठीक है बच्चा, इस सब बारे में बात बताया था। तो आज आपके टॉपिक जो है थोड़ा स्पेशल होने वाला है, जैसे यहाँ पे राइट हुआ है डिफेक्ट ऑफ विजन। तो बच्चों मैंने दो लेक्चर अपलोड किया, अगर उसको आप नहीं देखें प्लीज जाके देखिए, और बहुत मजा आएगा, बहुत इजी वे से समझाया गया। इस चैनल का मोटो यही है, कोई भी टॉपिक हो फिजिक्स का उसको ऐसे समझाओ कि बच्चों के दिमाग में घुस जाए, ठीक है, और कभी दोबारा रखने की जरूरत ना पड़े, यानी कि दोबारा उस वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े कि मैं दोबारा देखूं वीडियो को, या फिर कोई कंफ्यूजन पैदा हो। थोड़ा वो कंफ्यूजन वाले मैटर फंसना चाहिए ना, कंफ्यूजन आपको क्लियर होना चाहिए, ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मेरे दिमाग में ये कंफ्यूजन है, वो चीज मुझे नहीं आया है ना। तो जब ये सब बात क्लियर रहेगा तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, तभी तो आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। तो आज का टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चा, तो सब्सक्राइब कर लो, और इसके लेक्चर जितने भी हैं, जितने भी वीडियो आप देखते हैं उसको शेयर भी किया करो, ठीक है, और हेल्प भी करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तभी तो मजा आएगा, ओके। तो चलो हम देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। स्टूडेंट होता क्या है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा ह्यूमन लेंस होता है वो अपने एकोमोडेशन पावर को लॉस कर देता है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत इजी वे से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, कलर ब्लाइंडनेस, कैटरेक्ट, जितने भी साइड इफेक्ट है सबको मैं बताऊंगा, इजी वे से समझाऊंगा, उसको आपको क्लिक करना अपने दिमाग में, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि समटाइम्स इट्स हैपन द ह्यूमन आई और आई लेंस लॉसेस देयर पावर ऑफ एकोमोडेशन, देन ही कैन नॉट और सी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। भाई लड़की होगा तो सी होगा, और बॉयज होगा तो क्या हो जाएगा, ही होगा, ठीक है। आपको पता है, मुझे ग्रामरली मैटर नहीं देना है। तो मैंने कहा कि वेन द ह्यूमन लेंस और ह्यूमन आई कैन लॉसेस योर एकोमोडेशन पावर, then cannot able to see the object clearly. So this defect is called the word defect of vision. यानी कि जब human eye को अपनी lens के accommodation power के loss होने की वजह से object seen नहीं होता है, तो उसी process को हम बोलते हैं क्या, defect of vision. तो human eye में कुछ defect होता है जिसकी वजह से वो object को seen नहीं कर पाता है। तो कौन कौन सा है, first है student myopia, आप इतने को देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, मायोपिया होता है, सेकंड आपका होता है हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड क्या होता है प्रेसबायोपिया, और फोर्थ क्या होता है एस्टिगमेटिज्म, और फाइव होता है स्टूडेंट कलर कैटरेक्ट, और नेक्स्ट मैंने आपको प्यारा सा बनाया वो क्या, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो सब मिला के सिक्स डिफेक्ट ऑफ विजन ह्यूमन आई के अंदर, कितने हैं टोटल, सिक्स है। और आपके दिमाग में यार जब आप पढ़ते हैं ना मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो पढ़ते ले तो बहुत इजी वे से समझ में आ जाता, लेकिन कुछ कुछ कंफ्यूजन भी रह जाता है। तो कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा, मायोपिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो हाइपरमेट्रोपिया से मतलब जितने भी साइड इफेक्ट, जितने भी इफेक्ट ऑफ विजन है, आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, 100% ओके, इट्स माय गारंटी, मेरी गारंटी रहती है हर चीज में। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, आप लर्न कर लिए, सिक्स डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिगमेटिज्म, कैटरेक्ट एंड आल्सो कलर ब्लाइंडनेस। तो डीपली जो पढ़ना है आपको इसके बारे में, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया,
ये सब बहुत इजी नहीं है, थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। और कलर ब्लाइंडनेस एक्टिंग मटेरियल में सब बहुत इजी वे से समझाया जाएगा, ठीक है, बहुत मतलब आसानी से आपको चीज आ जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मायोपिया। तो देखो बच्चा हुआ क्या कि मायोपिया जो पढ़ा जाता है, मायोपिया के बारे में जो स्टडी करते हैं वो कैसे स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगा ही देते हैं मायोपिया। मायोपिया, देखिए मायोपिया होता क्या है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानना है, मायोपिया क्यों होता है ये भी रीजन जिसको कहते हैं, और वो कैसे ठीक होगा करेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, लास्ट में एग्जाम में आता है आपके डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम भी आपको आज समझना है, ठीक है। डायग्राम से लोग डरते हैं, लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको दिमाग में कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें मायोपिया क्या होता है, मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन ऐसा होता है जिसमें नियर ऑब्जेक्ट ह्यूमन आई, जिसमें क्या होता है ह्यूमन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब मायोपिया में क्या होता है वो पास के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, पास की ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, देख सकता है, लेकिन दूर को नहीं देख सकता। बट अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, होता क्या है वो नियर के, मायोपिया में क्या होता है नियर का देख लेता है बट दूर का नहीं देखता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है स्टूडेंट कि जो उसका फार पॉइंट होता है वो फार पॉइंट थोड़ा सा नजदीक आ जाता है, इनफाइनाइट से कम हो जाता है। जैसे फार पॉइंट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जैसे आपका दूर का था ऑब्जेक्ट यहां पे था, अब जो फार पॉइंट ये इनफाइनाइट था, अब वो फार पॉइंट यहां पे नहीं आ रहा करके थोड़ा सा इधर चला आता है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है मायोपिया। तो अब आपको कुछ ऐसा लेंस यूज करना पड़ता है कि जिससे इमेज बने वो फार पॉइंट पे ना बन करके कुछ इधर ही बनने लगे, तो क्या हो जाएगा उसका करेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मायोपिया क्या होता है, मायोपिया जो काइंड ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच द ह्यूमन आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा, नियर ऑब्जेक्ट को क्या करेगा वो देख लेगा। रीजन क्या बताओगे, रीजन ये होता है जो उसका फार पॉइंट होता है, और भी रीजन बताएंगे अभी आपको, उसका जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट वो इनफाइनाइट से क्या होता है थोड़ा सा नजदीक आ जाता है, लेंस क्या आ जाएगा नजदीक आ जाएगा। डायग्राम बना के समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो इसका पहले रीजन देखो, रीजन इसका क्या होता है स्टूडेंट, अभी डायग्राम बना रहे हैं हम, पल्स का डायग्राम देख लेते हैं। देखो ये आई लेंस है, देखिए ध्यान से, पहले आपका फार पॉइंट दूर से था तो रेज ऑफ लाइट देखो इससे पैरेलल आ रही थी, आपको मैंने बताया कि रेज ऑफ लाइट जो इनफाइनाइट से आती है वो पैरेलल सपोज करते हैं, और उसका इमेज क्या है रेटिना, रेटिना पे बन रहा था, इसका फार पॉइंट क्या था पहले इंफिनाइट पे था, इस पे नो डिफेक्ट नॉट मायोपिक, मतलब इसमें दोष नहीं हुआ है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट ऑफ विजन इसमें नहीं है। बट अब देखो अब देखते हैं, अब देखो बच्चे क्या होगा,
अब इसका नियर पॉइंट थोड़ा इधर चला गया, देखो यहां से अब इनफाइनाइट पे था, इमेज बन रहा था, अब इसका जो फार पॉइंट है, फार पॉइंट थोड़ा इधर चला गया, इधर आ गया, तो अब इसका इमेज क्या होगा, रेटिना के पहले बन जाएगा। अब इसका इमेज कहां बन जाएगा, रेटिना के पहले। अब इसका जो फार पॉइंट उधर था, अब वो वहां पे ना रह करके थोड़ा सा नजदीक आ गया, ये इसका फार पॉइंट हो गया। तो बोले कि क्या सर, कि फार पॉइंट जो होता है थोड़ा नजदीक आ जाता है, और ये क्या है, मायोपिक आई है, मायोपिक आई, यानी कि अब इमेज देखो यहां पे नहीं बन रहा है, अब इमेज आपका यहां पे स्टूडेंट नहीं बन रहा है, यहां पे रेटना पे इमेज क्या हो रहा है, रेटना के पहले, क्यों, क्योंकि जो फार पॉइंट थोड़ा सा नजदीक आ गया, जब फार पॉइंट थोड़ा इधर खिसक गया तो इमेज भी क्या हो गया, इधर चला गया। ओके, क्लियर हुई बात। अब देखो इसको क्या करना है, करेक्टेड करना है, सही करना है, तो इसे कुछ रीजन और मैं बता दूं, पहले रीजन राइट कर देता हूं। इसका रीजन क्या होता है, देखो सबसे पहली बात कि जो आई बाल होता है उसकी साइज की, देखो पहले आई बाल ये इतना था, आई बाल की साइज क्या होगी, बड़ी हो गई, इंक्रीजिंग, पहला बता रहे हैं इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आई बाल, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आई बाल, आई बाल, ठीक है ना, ये हो गया, साइज बढ़ गया आई बाल का। सेकंड देखो, जो ये लेंस आपका इतना सा पहले था, इसका जब फोकल लेंथ ज्यादा था, ठीक है, लेंस का फोकल लेंथ क्या था पहले, ज्यादा था, लेकिन अब क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कि लेंस का कर्वेचर एक्सीज हो गया, समझ लीजिएगा, अगर कोई लेंस है आपके पास, अगर उसका फोकल लेंथ कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका कर्वेचर एक्सीज कर जाता है। यहां पे सेकंड पॉइंट में राइट कर रहा हूं, एक्सीज द कर्वेचर, ये दो पॉइंट मैंने और भी ऐड कर सकते, फार पॉइंट मैंने बताया था। तो पहले क्या होता है, मायोपिया जो होता है इसमें नियर ऑर्बिट क्लियर होता है, फार का नहीं होता है, ठीक है ना। रीजन क्या होता है, फार पॉइंट थोड़ा नजदीक आ जाता है, बैकग्राउंड मैंने समझाया, नॉट मायोपिक में कोई डिफेक्ट नहीं है, ये डिफेक्टेड हो गया क्योंकि इसका इमेज कहां बनने लगा, रेटना के पहले। अब इसको क्या करना है, सही करना है, अब इसको क्या करना भैया, सही करना है। तो सही कैसे होगा, तो मैं सोच रहा हूं कि यहां पे कोई एक ऐसा लेंस लगा दिया जाए कि जिसने रेजा पर क्या हो, पहले थोड़ा सा डाइवर्स हो जाए, डाइवर्स होने के बाद फिर क्या हो, यहां पे कन्वर्ज हो। तो डाइवर्जन का काम क्या होता है, कौन काम करता है बताओ, डाइवर्जन का काम करता है कौन सा लेंस, कॉनकेव, तो इट इज करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो जो आपका मायोपिया होता है ये कैसे करेक्ट होता है, कॉनकेव लेंस से, तो उसका करेक्शन कैसे हुआ, यहां पर मैं समझा रहा हूं फिगर बना के। ये देखो लेंस हो गया, ये पूरा आई बाल बना दिया गया, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब सुनो ये इसका फार पॉइंट है, ये लेंस मैंने बनाया, क्या बना दिया लेंस। अब देखो यहां से रेजा फिट ऐसे जब था, अब थोड़ा सा फैला, डाइवर्स हो गया, ये देखो, अब इस देखो ध्यान से, अब यहां पर गया, अब ये क्या करके कन्वर्स करके रेटना को मिला दिया। अब देखो इमेज बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना बोले, अब किस पे इमेज बन रहा है, रेटना पे, इसको पीछे मिला दो, देखो अब इमेज फार पॉइंट का भी दिख रहा है, दूर का भी दिखने लगा, नहीं फार पॉइंट का भी दिखने लगा, रेटना। तो अगेन फिर से समझाते हैं आप लोगों को, मायोपिया जो होता है, मायोपिया में नियर का दिखता है बट फार का नहीं दिखता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि जो आई बाल होता है उसकी साइज बढ़ जाती है, और जब आई बाल साइज बढ़ जाएगी तो रेटना क्या होगा, अपनी जगह पर रहता ही है, अब इमेज यहां पर नहीं बन पाता भाई, इमेज आपका यहां पर ना बन करके इसके पहले, रेटना के पहले ही बनने लगता है। क्लियर हुई बात।
ठीक है। अब देखो क्या हुआ, इसके बाद एक्स इज द कर्वेचर, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है। लेंस का कर्वेचर बढ़ने का मतलब है उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके, लेंस का कर्वेचर क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ कम हो गई। एक कैसे करेक्टेड होगा, ऑफ आर पॉइंट नजदीक आ जाता है। करेक्शन कैसे होता है, इट इज करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस, इट इज करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस, इट इज करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस, ठीक है ना। तो ये था हमारा मायोपिया के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, उसका क्या उपाय है, उसको कैसे हम सही करेंगे, ठीक है। तो राइट डाउन इट एंड गिव डाउन करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, उसका भी करेक्शन कैसे होता है, कुछ इसी डायग्राम की मदद से हम समझेंगे। ओके ठीक है, नो डाउन। ओके अब देखते हैं हम लोग कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। जस्ट हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, हाइपरमेट्रोपिया वो मायोपिया का उल्टा होता है। जैसे मायोपिया में क्या था कि नियर का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पे क्या होता था, हाइपरमेट्रोपिया में ऐसा होने वाला नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का सही दिखता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ह्यूमन आई कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। कौन सा ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर का दिखाई देता अच्छे से बट अनेबल टू सी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है बच्चा, हाइपरमेट्रोपिया में यह होता था कि नियर का दिखता था दूर का, सॉरी मायोपिया में क्या होता था, नियर का दिखता था दूर का नहीं, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का दिखता है नियर का नहीं दिखता। नियर क्यों दिखता, नियर का इस वजह से नहीं दिखता क्योंकि उसको जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर वो पीछे चला जाता है। क्या हो जाएगा, अब वो 25 सेंटीमीटर ना होकर के ग्रेटर हो जाता है। समझ में आई बात ना, अगर आपका नियर पॉइंट पहले यहां पे रहा होगा, यहां पे 25 सेंटीमीटर पर, अब आप अगर देखेंगे ना तो उसका जो नियर पॉइंट होगा थोड़ा सा पीछे हो जाता है। ये देखो नियर पॉइंट यहां पे आ गया, नियर पॉइंट आपका इस जगह पे हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो रीजन क्या होता है, रीजन बिल्कुल उल्टा कर दो। जैसे वहां पे क्या था, आई बल, देखो यहां पे ये इमेज यहां पर रेटिना पे बन रहा था ना, अब ये आई बल क्या होगी, कम हो गई। अब कम होने पर क्या होगा, रेज आपको पीछे जाके मिल रही है, इमेज आपका यहां पे बन रहा है, इसका मतलब हो गया कि डिक्रीजिंग द साइज ऑफ आई बॉल, जो आपका आई बॉल उधर सर्च क्या जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और यहां पर देखो अब की बार फोकल लेंथ क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सॉरी डिक्रीज हो गया फोकल लेंथ। अब की बार देखो ध्यान समझिए पूरी बात को, यहां पे, वहां पे क्या था, कर्वेचर ज्यादा हो रहा था तो फोकल लेंथ कम हो गया था, इमेज पहले बना दिया था, लेकिन अब इसका फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, फोकल लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया इसका मतलब फोकल कहां चला जाएगा, दूर चला जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग, चलो इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का दिखाई देता है, नियर का नहीं दिखाई देता, हो गया। रीजन क्या होता है कि यहां पे आईबॉल की जो साइज हो जाती है वो बड़ी नहीं होती है, कम हो जाती है, इससे क्या होता है, इमेज पीछे बनने लगता है। अब फोकल लेंथ क्या हो जाता है भैया, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ, यानी कि कह सकते हैं कि लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना डिक्रीजेस, ऐसा भी बोलिए। अब सुनो, आपको कुछ ऐसा करना है कि अब इमेज क्या हो जाए, यहां पे करेक्टेड हो जाए, यहां पे इमेज क्या हो जाए, बनने लगे। तो एक मैं लेंस लगाऊंगा, कन्वेक्स लेंस, कैसा लेंस लगाऊंगा, ओके। अब इसके हम करेक्शन की बात करते हैं, करेक्शन कैसे होगा, तो मैं यहां पर राइट क्या हूं, इट इज करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसका डायग्राम भी बना देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका नियर पॉइंट पहले यहीं पे था, ये 25 सेंटीमीटर पे था, तो अब मैंने क्या कर दिया, अब इसके नियर पॉइंट वाले आदमी को देखना है, तो यहां पे क्या होगा, ऐसे रेजर ब्लेड ऐसे जाएगा कुछ इस टाइप से, क्योंकि देखो फार का नहीं देखना था, किसका देखना है आपको, नियर का देखना है, कैसे देखना है, नियर का ऑब्जेक्ट देखना है, नियर का नहीं दिख रहा था उसी को देखो देखना है, क्योंकि नियर पॉइंट आपका भाग करके कहां चला आया है,
कुछ यहाँ पे चला गया है, तो यही पे इमेज बनाना है। तो देखो मैंने कर्व सिलेंस लगा दिया, आगे क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है रेज ऑफ लाइट को। देखो यहाँ पे डाइवर्स कर दिया लेंस रेज ऑफ लाइट को। अब इसको पीछे से जब मिलाओगे आप, देखो ऐसे पीछे मिलाओ, पीछे मिलाओ, पीछे मिलाओ, इस तरीके से आपको दिखेगा कि रेज ऑफ लाइट यहां से नहीं यहां से आ रही है। इसका मतलब यहां का जो इमेज बन रहा था अब वो यहां पे बनेगा एंड रेज पे, और नियर पॉइंट कहीं खिसक के गया था, तो अब यहां पे इस तरीके से हो गया। तो जब आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर क्या करता है, बार बार चश्मे को लगा के चेक करता है। क्यों चेक करता है, कहता कि लाओ मैं ऐसा चेक करूं, ऐसे फोकल लेंथ लगाऊं कि जिससे यहां से रेज ऑफ लाइट क्या हो, कन्वर्ट होने के बाद यहां पे इमेज बनाए सीधे डायरेक्टली, यहां पे पीछे क्या हो गया, इमेज बन गया। ठीक है, तो ये था इसका करेक्शन। करेक्शन कैसे होगा, कैसे होगा करेक्शन, आपको पता ही हो गया कैसे, कन्वेक्स लेंस से। ठीक है, देखो नियर का भी इमेज कहां बन रहा है, एन डैश पे बन रहा है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं प्रेस बायोपिया की। ओके, तो डिस्कस अबाउट द प्रेस बायोपिया। तो बच्चा हमें बात करना है प्रेस बायोपिया क्या होता है, और फिर हमें बात करना है कैटरैक्ट पे, और फिर आपको बात करना है अस्टिगमटिज्म। देखो अस्टिगमटिज्म में क्या होता है, कैटरैक्ट क्या होता है, ये सब समझते तीनों एक साथ में। ठीक है, अस्टिगमटिज्म, कैटरैक्ट और प्रेस बायोपिया। देखिए जो प्रेस बायोपिया होता है क्यों होता है, जब आपका ह्यूमन आई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लॉस कर देता है, यहां पे क्या होता है फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लॉसेस। फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहता भाई, जितना पहले फ्लेक्सिबिलिटी था ना एकदम कम ज्यादा हो रहा था, वो सब नहीं हो पाता। जब फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाएगा तो आई में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि कभी ना तो वो दूर का देख सकता है, ना तो वो नजदीक का देख सकता है। अनेबल टू सी द डिस्टेंस एंड नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, अनेबल टू सी, अनेबल टू सी डिस्टेंट एंड नियर ऑब्जेक्ट, भाई देख नहीं पाएगा वो, नियर ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता ना तो फिर वो दूर को। ये क्यों होता है, क्योंकि जब आईलेंस की फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, लॉस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ना तो वो दूर कर दे सकता ना फिर वो नजदीक कर दे सकता है। तो अब क्या करना है इसमें, तो भैया मायोपिया भी आ गया और क्या हो गया, हाइपरमेट्रोपिया भी आ गया। तो आप लोगों ने कभी कभी ऐसा ऐसा चश्मा देखा होगा इस प्रकार, जिसमें एक नीचे लाइन बनी होती है। लाइन क्यों बनी होती है, क्योंकि उसमें दो लेंस लगा होता है, कॉन्केव भी लगा होता है और कन्वेक्स भी। तो कुछ इस प्रकार से लेंस हम बनाते हैं इस टाइप से, देख रहे हैं ना, ये कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, और ऊपर क्या होता है कॉनकेव, ऊपर जो लेंस होता है कैसा होता है कॉनकेव, और ये क्या होता है कन्वेक्स। आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार की चश्मे को, ऊपर एक नीचे एक लाइन बन जाती है ना, एक बीच में लाइन, चश्मे में से बाउंड्री होती है, वो ऊपर को अलग करता है नीचे क्या करता है अलग करता है। तो ऐसा ही लेंस बनता है वो, क्यों होता है, क्योंकि प्रेस बायोपिया को हटाना होता है। प्रेस बायोपिया होता क्या है, इस समय फ्लेक्सिबिलिटी लॉस हो जाती है तो ना वो नजदीक का देख सकता ना फिर वो दूर का देख सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, दो टाइप्स के लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव भी और कन्वेक्स भी। ठीक है, कैटरैक्ट क्या होता है, देखिए होता क्या है, जो हमारा आई लेंस होता है, ध्यान देना, आई लेंस होता है, आई लेंस पे मिल्की लेयर जम जाती है, मिल्की लेयर। ठीक है, आप देखते रहेंगे, ये ओल्ड एज में होता है, मान लो जो कैटरेक्ट होता है स्टूडेंट, मतलब बहुत जब बुढ़े हो जाते हैं लोग तब होता है। आप जो का जो लेंस होता है ना, लेंस के ऊपर एक परत जम जाता है, और जब वो परत जम जाता है, ऑप्टिक लेयर जम जाने से या मिल्की लेयर जम जाने से क्या होता है, जो आपका लेंस ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट ना होकर के ऑपेक मीडियम बन जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपके आई लेंस के ऊपर एक मिल्की लेयर जमा कर दूं और आप कुछ देख, तो ओपेक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ओपेक बन जाएगा, और जब ओपेक बन जाएगा तो लाइट का क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन तो हो नहीं पाएगा। अब जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो नहीं पाएगा
तो अब बताओ क्या इमेज रेटिना पे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो एक ऑपेक्यू लेयर एकुमुलेट हो जाता है किस पे? आई लेंस पे। और आई लेंस पे एकुमुलेटेड होने की वजह से क्या होता है? वो ऑपेक्यू मीडियम बन जाता है। ऑपेक्यू मीडियम बन जाने की वजह से रिफ्रैक्शन ही होगा। जब रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो रिफ्रैक्शन ना होने की वजह से क्या होगा स्टूडेंट? ऑर्बिट क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ होता है आपका कैटरेक्ट में। किसमें होता है? कैटरेक्ट में होता है। एस्टिगमेटिस में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। कैन नॉट सी सिमुटेनियसली। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा सेट हो जिसमें इस तरीके से कुछ बना हो, देख रहे हैं ना, ऐसा सेट में आपके जो सेट आप पहने हैं कुछ इस तरीके से बना है, और अगर आप ये सोचते हैं कि जब मैं सेट को देखूं तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिखे और कौन सा लाइन दिखे? वर्टिकल लाइन भी दिखे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल होता ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन अगर आप ये सोचते हैं कि दिखाई दे हमें, नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि हम लोग यूज करते हैं, यही रीजन होता, यही होता है भाई एक्टिंग वजह में, यही होता है कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कैन नॉट सी सिमुटेनियसली, एक साथ नहीं दिख सकते, दोनों एक साथ नहीं दिख सकते हैं। ये कैसे कनेक्टेड होगा? इसके लिए क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस। कौन सा लेंस? सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं कुछ इस तरीके से, सिलेंड्रिकल लेंस ऐसे बनाएंगे और इससे क्या होता है? करेक्शन होता है। ठीक है, तो अब आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, किसी भी तरीके से हो, इसी वजह से क्या होगा, ये करेक्शन के लिए होता है। आप देख सकते हैं दोनों को साथ साथ। तो फिर से रिपीट कर देते हैं, मायोपिया में क्या होता है? नियर ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, दूर का नहीं होता है। ऑरिजन क्या होता है? एक्सिस द कर्वेचर एंड इंक्रीजिंग द साइज ऑफ आई बल्ब। ओके, ठीक है। और कैसे कनेक्ट करते थे? कॉनकेव लेंस से, डायग्राम मैंने बनाया ये। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया में डिस्टेंट होता है क्लियर, बट नियरेस्ट ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। रीजन क्या होता है? फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है और आई बल्ब साइज भी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, कैसे कनेक्ट करते हैं? कन्वेक्स लेंस से। इसके बाद आता है पेरिस बायोपिया। पेरिस बायोपिया में क्या होता है स्टूडेंट? पेरिस बायोपिया में दोनों भी होता है, नियर का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं? एक ऐसा चश्मा लगाते हैं इस प्रकार से, ऊपर कॉनकेव नीचे कन्वेक्स होता है। नेक्स्ट क्या है? कैटरेक्ट। हमने कहा था कि जो आपका आई लेंस होता है उसके ऊपर एक मिल्की लेयर जमा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाएगा, और उस मिल्की लेयर के जमा होने की वजह से क्या होगा? मीडियम आपका ओपेक हो जाएगा, लेंस बिल्कुल धुंधला दिखने ऐसा हो जाएगा, लाइट पास ही नहीं होगा। तो क्या होगा? इमेज बनेगा नहीं रेटिना पे, जब लाइट अंदर जाएगा नहीं। तो इसी को बताऊं इसको भाई, ये कैटरेक्ट अगर आप किसी को हो गए तो सुने होंगे, मोतियाबिंद इसको कहते हैं, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद का भाई ऑपरेशन ही होता है, आप चश्मा लगा लीजिए और आप ये सोचिए चश्मा लगा करके कैटरेक्ट को मैं खत्म कर दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका सिर्फ एक ही चीज है, वो क्या है? ऑपरेशन। आप ऑपरेशन करवाइए तभी ठीक होगा कैटरेक्ट। ठीक है, देखोगे आप लोग चश्मा लगवाते हैं अलग तरीके से, आंख में लेंस ही डाल देते हैं, इस लेंस को निकाल करके दूसरा लेंस डाल देते हैं आपकी आंखों में। ठीक है, आप उससे देखते हैं। एस्टिगमेटिज्म में क्या होता है? एस्टिगमेटिज्म में ये होता था कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन कैन नॉट सी सिमल्टेनियसली, यानी कि हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन एक साथ नहीं देख पाओगे। कैसे यूज, कैसे करेक्ट होगा? ये सिलेंड्रिकल लेंस लगा करके। और एक और बताया था कि कलर ब्लाइंडनेस, भैया उसमें कलर की पहचान नहीं होती है, कलर से ही अंधे हो जाएंगे आप, कलर को पहचान नहीं पाएंगे, और देयर इज नो करेक्शन। कलर ब्लाइंड अगर किसी को हो गया उसका कोई करेक्शन नहीं होता, अगर पापा को हो गया उसके बच्चे में होगा, जेनेटिक चलता रहता है। गौर कर, किसी को नो कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि अगर किसी को हो गया ना जल्दी खत्म नहीं होता है, जल्दी खत्म नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल डिपेंड ऑन दिस मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेकर आएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम बात करते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रिज्म से कैसे होता है, उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, सो थैंक यू।